आतंकवाद से पाकिस्तान का इतना गहरा रिश्ता है कि आज उसे आतंकियों को पालने वाले देश के नाम से दुनिया जानती है। और अब एक बार फिर से अपनी फितरत दिखाते हुए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का नया प्लान तैयार किया है, लेकिन इस बार भी नापाक मुल्क के इस आतंकी प्रेम का खुलासा हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा और क्यों वो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के फिराक में है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने आतंक को स्थानीय आंदोलन के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए नई टेक्निक अपनाई है। भारतीय एजेंसियों ने पड़ोसी देश के इस प्लान को डिकोड कर दिया। पिछले कुछ समय में सुरक्षा बलों ने घाटी में 17 कश्मीरी आतंकियों को मार गिराया है। ये सभी वैध यात्रा दस्तावेज पर पाकिस्तान गए थे और वापस आकर आतंकी के तौर पर सक्रिय हो गए, जिन्हें घाटी में आतंक विरोधी अभियानों में मार गिराया गया। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने एक हुर्रियत नेता और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इसमें कहा गया है कि ये पाकिस्तान के कॉलेजों में MBBS की सीटें बेचने में संलिप्त थे और युवाओं का आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करते थे। अधिकारियों ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि इन युवाओं का पाकिस्तान में ब्रेन वॉश किया गया और हथियारों का भी प्रशिक्षण देने के साथ ही इनका मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस्तेमाल किया गया। जम्मू कश्मीर के सैकड़ों छात्र हाल के कुछ साल में उच्च शिक्षा के लिए पाकिस्तान गए, इनमें से कई का ब्रेन वॉश किया गया था और हथियारों का प्रशिक्षण देकर स्लीपर सेल में भर्ती किया गया था। ये युवा कश्मीर पार से आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रहे आकाओं के साथ संवेदनशील जानकारियां साझा कर रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक अलगाववादी युवकों को पाकिस्तान जाने के लिए यात्रा दस्तावेज का इंतजार कराने और अन्य सुविधाओं के लिए हुर्रियत नेताओं से सिफारिश पत्र भी लिखवाते थे। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक अधिकारियों ने यह भी कहा कि युवाओं को पाकिस्तान स्थित हुर्रियत के कार्यालय में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी NTS में बैठाया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि युवाओं को ये विश्वास हो जाए कि वे प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के प्रोफेशनल कॉलेजों में उनको प्रवेश मिल सकेगा। इस तरह की परीक्षा कश्मीरी अलगाववादियों की मदद से आयोजित की जाती थी, जो 1990 के दशक में हथियारों का प्रशिक्षण लेने पाकिस्तान गए और POK में ही बस गए। हुर्रियत के कार्यालय में ही टेस्ट के बाद युवाओं का ब्रेन वॉश किए जाने की प्रक्रिया शुरू होती थी। ब्रेन वॉश करने के बाद उन्हें हथियारों के प्रशिक्षण के लिए ले जाया जाता था और फिर घुसपैठ करने वाले आतंकियों के साथ पढ़ाई के मकसद से पाकिस्तान गए युवाओं को भी जम्मू कश्मीर में धकेल दिया जाता था।